तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉलर में कितनी फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग लगी है, वो भी गुम अंडरग्राउंड पाइपिंग लगी है, ये देखें आप इधर से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको कॉलर पे गुम पाइपिंग लगाने का तरीका बताया है। तो आप अगर इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे तो ये कॉलर आप लेडीज़ कुर्ती या जेंट्स कुर्ता दोनों पर लगा सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको यही पाइपिंग लगाना बताते हैं। तो कॉलर में पाइपिंग लगाने के लिए हमने सिंगल बूट लगा लिया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा ले लिया है, तो हमने ये कपड़ा तिरछा कटिंग करना है, यानी ऑरेब में कटिंग करना है, ठीक है। देखिए हमने इस तरह से कपड़े को कट करना है। हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने डोरी लेनी है, तो हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पहले ही डोरी कट कर ली है। उसके बाद हमने इस डोरी को इस तरह से रखना है, कपड़े के बीच सेंटर में रखेंगे और इस तरह से हमने कपड़े को मोड़ना है। फिर हमने इस डोरी के बिल्कुल बराबर से सिलाई लगानी है, यानी डोरी की जड़ में सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं हमारी डोरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम आपको बताते हैं हमने ये डोरी कॉलर में किस तरह से लगाना है। तो देख सकते हैं हमने कॉलर पहले ही चिपका दिया है, इस तरह से देख सकते हैं, और हमने ये कपड़ा भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखें आप। तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये देखें, जो ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, इसको हमने क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है यहाँ से, और हमने बिल्कुल पेस्टिंग के बराबर से कपड़े को मोड़ना है, और हमने चौक से इस तरह से मार्किंग करनी है यहाँ पर। तो जो कॉलर का शेप है उसी शेप के हिसाब से हमने कपड़े को मोड़ना है, और ये निशान कॉलर के ऊपर ही आना चाहिए, यानी बुकरम के ऊपर आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरह से हमने ये निशान लगाते हुए ले जाना है। तो जिस तरह से यहाँ पर राउंड है उसी तरह से हमने कपड़े को मोड़ना है यहाँ पर। तो ये देखें पूरे कॉलर पर इस तरह से मार्किंग हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, इस डोरी को इस कॉलर के ऊपर इस तरह से रखना है। तो हमने ये जो निशान लगाया है और ये जो डोरी के पाइपिंग के ऊपर जो सिलाई लगी है, वो सिलाई इसी निशान के ऊपर आना चाहिए इस तरह से, यानी कि पाइपिंग जो है वो बुकरम के ऊपर रहनी चाहिए इस निशान के बिल्कुल बराबर से। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और हमने जो पहले पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। जिस तरह से कॉलर का राउंड है उसी तरह से हमने पाइपिंग को मोड़ते हुए चलना है। यहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो निशान लगा है ना, तो ये जो पाइपिंग की जड़ में जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वो सिलाई इस निशान के ऊपर आना चाहिए, और ये जो पाइपिंग है वो पाइपिंग पेस्टिंग के ऊपर आ जाएगी। तो आप इस तरह से लेडीज़ कुर्ती या जेंट्स कुर्ता दोनों पर ये पाइपिंग लगा सकते हैं सेम इसी तरह से। तो ये देखें दोस्तों कुछ इस तरह से कॉलर में पाइपिंग अटैच हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये सिलाई कॉलर की जड़ में आई है बिल्कुल। तो अब क्या करना है, हमने ये जो कपड़ा फोल्ड किया था इस कपड़े को इस तरह से मोड़ना है, और हमने ऊपर से पैर की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने कॉलर के कलर का एक कपड़ा और ले लेना है, और हमने कॉलर को उल्टा करके रखना है कुछ इस तरह से। देखें अब हमने सिलाई कहाँ लगानी है, पेस्टिंग के बिल्कुल बराबर से, यानी बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी है। हमने जो पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। और हमने ये सिलाई शुरू कहाँ से करनी है, हमने जो ये वाली सिलाई लगाई है, ये वाली, इसी सिलाई के सेंटर से हमने सिलाई शुरू करनी है, यानी पेस्टिंग को करीब 1 सूत ऊपर से छोड़ना है। पक्का करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने इसको यहाँ से बराबर से कट कर देना है। फिर हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं सिलाई के बराबर से, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद हमने कॉलर को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उल्टी साइड से इस तरह से नाखून लगा लेना है। आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं, यानी प्रेस भी लगा सकते हैं।
फिर हमने कॉलर से एक पैर हटाकर कट कर देना है, यानी पेस्टिंग से आगे के लिए करीब एक पैर का कट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा कॉलर बनकर रेडी तैयार हो गया है। तो आप ये कॉलर लेडीज़ कुर्ती पर भी लगा सकते हैं, जेंट्स कुर्ते पर भी ये कॉलर लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये देखें, इधर से भी देख सकते हैं आप, ये देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।